पोपटलाल की अब दोस्तों यहाँ पर सगाई टूटने वाली है और यहाँ पर पोपटलाल जो है वो उसका दिल भी टूटने वाला है। सो दोस्तों देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। एक तरफ यहाँ पर पोपटलाल को पता चलेगा कि थेलेसफियर माइनर वगैरह है जिस वजह से यहाँ पर मधुबाला से सगाई नहीं हो सकता एंड दोस्तों यहाँ पर शादी नहीं हो सकता एंड इसमें हाथी भाई ये साथ दिए होंगे पोपटलाल का कहने के लिए कि यहाँ पर चेक करवा लें मेडिकल रिपोर्ट, क्योंकि अगर ये दोनों हुआ चीज़ तो यहाँ पर शादी नहीं हो सकता है एंड अगर शादी हुआ तो ये गुड न्यूज़ नहीं है। सो यहाँ पर आने वाला स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहने वाला है क्योंकि पोपटलाल का फिर से एक बार बिछड़ना लिखा है इस बार इस सगाई में भी वो बिछड़ने वाला है। सो दोस्तों देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। एक तरफ यहाँ पर पोपटलाल का दिल टूटने वाला है, दूसरी तरफ मधुबाला का भी दिल टूटेगा क्योंकि यहाँ पर उसे पता चलेगा कि उससे थैलेसफियर माइनर है जिस वजह से वो सगाई नहीं कर सकती है और ना ही शादी कर सकती है पोपटलाल के संग। सो दोस्तों इस बार भी पोपटलाल की सगाई अब टूट चुकी है एंड ये चीज पता चलने के बाद सगाई हो भी नहीं सकती है अब। सो दोस्तों ये काफी ज्यादा इमोशनल रहता है पोपटलाल के लिए भी एंड यहाँ पर फैंस के लिए भी, क्योंकि एक बार फिर से यहाँ पर पोपटलाल का दिल टूटा है एंड फैंस का भी कि सगाई नहीं होगी और शादी भी इस बार कैंसिल होने वाली है क्योंकि अभी यहां पर ये सारी चीजें पता चलने के बाद हाथी भाई कह देंगे कि ये दोनों लोग शादी नहीं कर सकते हैं।